वेलकम टू लक्ष्मी किचन। आज हम बनाने वाले हैं अनियन फ्लावर का और मूंग दाल का पकौड़े। हम लिए हैं मूंग दाल 1 कप, भिगो कर पहले से ही रख दिए थे, और इसके लिए लिए हैं अनियन फ्लावर 1 कप। ये अनियन फ्लावर 1 कप है, ये है उसका, हम कट कर लिए हैं। ये अनियन फ्लावर है 1 कप लिए हैं, 3 अनियन चॉप लिए हैं, और ये थोड़ा अदरक लहसुन और 2 हरी मिर्च, हम इसे मूंग दाल के साथ पीस लेंगे, और ये 2 हरी मिर्च चॉप, और ये थोड़ा कड़ी पत्ता, और ये धनिया पत्ता, और जीरा, और स्वाद अनुसार नमक और हल्दी। हम अब चलिए दिखाते हैं मूंग दाल को। पहले से तो हम धो लिए थे, अब हम जार में ये मूंग दाल, पानी नहीं डालेंगे हम। सकते हो। इसमें हम ये 2 हरी मिर्च, ये 2 हरी मिर्च डाल देंगे, ये 4 लहसुन की कलियां डाल दिए हैं, और थोड़ा सा अदरक, और जीरा भी हम थोड़ा सा डाल देंगे, और इसे हम अब 10 अदरक पीस कर लाएंगे। ये हम मूंग दाल को पीस लिए हैं, थोड़ा रखिएगा, जो थोड़ा ददरा हम पीसेंगे, हम एक बोल में इसे निकाल लेंगे। हम बोल में निकाल लिए हैं, हाथ थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसमें हम आप ये अनियन फ्लावर 1 कप, और ये हरी मिर्च, अब ये जीरा, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी, जीरा डाल देते हैं, नमक और हल्दी। हम इसमें पानी नहीं डाले हैं, मिला देंगे। शाम में चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है, आप इसी तरह जरूर बनाइए एक बार ये अनियन और मूंग दाल का पकौड़े। हम मिला दिए हैं, अब चलिए हम अब पकौड़ा तलते हैं। हम गैस ऑन कर लिए हैं, अब इसमें हम एक कढ़ाई गरम होने के लिए, गरम होने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, हम इसमें अब ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम पकौड़ा फ्राई करेंगे। पकौड़ी गर्म हो गया है, देखिए हम अब पकौड़ी डालते हैं, मैं ऑयल में डालते हैं। हम ये कटलेट की तरह हाई फ्लेम में मत फ्राई कीजिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम में फ्राई करने से कच्चापन रह जाता है, इसलिए फ्लेम को थोड़ा स्लो कर दोगे। फ्लेम में फ्राई करेंगे, हमेशा फ्राई करेंगे।
गया है, हम इसे स्लो फ्लेम में ऐसे ही फ्राई करेंगे। आप इसी तरह एक बार ये मूंग दाल और अनियन का फ्लावर पकौड़ा जरूर बनाइए और खाइए, कितना टेस्ट लगता है ये पकौड़ा। और झटपट भी बन जाता है, मूंग दाल को 10 मिनट में भीग जाती है भिगोने से। मेहमान घर में आएंगे तो ये बनाकर आप देंगे तो और भी झटपट से बन जाएगी। और थोड़ा और ब्राउन कलर आएगा, ये हम फ्राई कर रहे हैं। आकार में फ्राई कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप छोटे छोटे साइज में भी पकौड़ा तल सकते हो। और ये पकौड़ा आप छोटे छोटे साइज में तल कर करी भी बना सकते हो। और इसे हम ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद हम ये पकौड़े को सर्व करेंगे, प्लेटिंग करेंगे। देखिए ये पकौड़ा हो चुका है। अब हम इसे अब एक प्लेट में निकाल कर प्लेटिंग करेंगे। देखिए हम अब प्लेटिंग कर लिए हैं ये पकौड़े, मूंग दाल और अनियन के पकौड़े। ये आप हम इसे तोड़ कर दिखाते हैं, अंदर से देखिए अंदर से भी पक गया है। अब इसे आगे चिली सॉस और टमाटर सॉस ये पुदीना का चटनी है, आप इस चटनी में भी खा सकते हो। इसी तरह आज मेरा बनाया हुआ रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये आप ज़रूर बनाइए और खाइए, मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।